सर हम घोड़ा यहीं छोड़ देते हैं। यही ठीक रहेगा। चलो कबीर। यस सर। हेलो ठहरो। कौन हो तुम? पहले आप बताइए कि आप कौन हैं? लगता है तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई। नजर नहीं आता कि तुम्हारे सामने पुलिस खड़ी है। दिस इज सीबीआई ऑफिसर। चाहो तो मैं तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। बट वाई? आप किस लिए गिरफ्तार करेंगे हमें? हमारा जुर्म क्या है? ए मिस्टर, इसलिए पहले तमीज से बात करना सीखो। आप लोगों को पता है आप किस जगह घूम रहे हैं? इस जंगल के हर पेड़ पे मौत बैठी हुई है। पुलिस का काम है पब्लिक की सुरक्षा करना, और आप जैसे लोग जंगल में आकर मौत को दावत देते हैं। नहीं सर, नहीं, हम लोग यहाँ से जा ही रहे थे। एक्चुअली हमें पता नहीं था कि हम ऐसी खतरनाक जगह पे पहुँच गए। हम तो यूं ही घूमते फिरते पहुँच गए। जिस रास्ते से आप जंगल में आए हो वो याद है आप लोगों को? क्योंकि उसी रास्ते से आपको वापस जाना है। अगर जंगल में भटकते रह गए तो यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेफिक्र रहिए सर, हमें बाहर जाने का रास्ता अच्छी तरह मालूम है। आप जयगढ़ के रहने वाले हैं? नहीं, हम लोग बाहर से आए सर। कहाँ ठहरे आप? जयगढ़ डाक बंगले में। जयगढ़ डाक बंगले में? हाँ, लेकिन बात क्या है सर? एनी प्रॉब्लम? डाक बंगले के बारे में आप कुछ नहीं जानते। एक तो आप डाक बंगले में रहते हो और ऊपर से इन भयानक जंगलों में घूमने निकल पड़े हो। आपको पता अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वी आर वेरी सॉरी सर। यू बेटर बी सॉरी। नाउ गो, जाइए जल्दी। कमाल है, कहीं भी घूमने निकल पड़ते हैं।